नहीं हूँ, आपके जीजा उधर हैं। इधर उपमा लाओ रे। उपमा? हमने चार दिन पहले खाए थे वो उपमा। नूडल्स, नूडल्स, नूडल्स। अरे बाप रे बाप जीजा, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? तुम इतना बदल गए हो बोल के मेरी दीदी जानती तो कितनी खुश होती। ये बात सच है? अरे भला मैं क्यों खर्च करूं? बिना खर्च किए वो सब कुछ अरेंज कर रहा है। अच्छा, नूडल्स रेडी। अरे जबरदस्त खुशबू आ रही है रे। जबरदस्त है रे, 5 स्टार होटल से लाया है। अच्छा दोपहर के लंच में क्या बना है? मेंढक की करी। टर आंगन के ही है ना, वेस्ट क्यों करना है? मेंढक साहब सब बना रहा है। तू क्या सोच रहा है, तू नूडल्स खा रहा है? अरे ये अर्थवॉर्म है। मेरे साले को ये आदत है, जब भी आता है इसके होश खो जाते हैं। ये क्या साला है? मेरा नहीं, मेरा साला है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोल क्या है। मैं यहाँ पे अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा खाना पका रहा हूँ, आप खुश हैं मेरे से, ये बात आपको मेरी पत्नी को बोलना है जाकर। अरे एक बार क्या, मैं रोज जाकर बोलूंगा। अकेली रहती है क्या? अकेली रहती है, एक ही बार आप जाएंगे तो बस। इतनी बुरी दिखती है क्या? जाएंगे तो पता चलेगा। कौन हो तुम? चांदनी। सच बोल, कौन है तू? मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है मूर्ख? कौन हूँ मैं नहीं जानता? क्या मुझे धिक्कार रही है? शिवानुग्रह प्राप्त हुआ है मुझे और तू मूर्ख कहती है? क्षमा करो नाग देवता। क्यों माँ, ये गुस्सा क्यों? मैं मेरे प्रियवर के साथ नागलोक से मृत्यु लोक तक आई हूँ। 3 लोगों ने मेरे प्रियवर को मार डाला, मूर्ख थे वो। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए मैंने चांदनी का भेष लिया। 2 को पहले ही मार चुकी हूँ, 3रे को इस पूर्णिमा की रात मार डालूंगी। तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। अनजाने से की हुई गलती की इतनी बड़ी सजा, ये कैसे माँ? गलती जिसकी भी हो सजा भुगतना होगा। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। वैसे किसको मारने वाली हो? सागर। आप इधर क्यों आए हैं? चांदनी को अरेस्ट करने के लिए। चांदनी को अरेस्ट? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, सालीग्राम के डेड बॉडी के यहाँ खून की दाग में चांदनी के खून से ताल्लुकात है। इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता चला है, उसके लिए सबूत हमारे पास है। शी इज क्रिमिनल, इसलिए उसे अरेस्ट करने आया हूँ। वो नाग देवता है। सॉरी मिस्टर स्वामी जी, वो हत्यारिन है, उसे अरेस्ट करना हमारी ड्यूटी। वो प्रतिशोध से और एक को मारने वाली है, पहले वो अनर्थ रोकना है। अरेस्ट करके जेल में डालेंगे तो कैसे मारेगी? उसकी अपार शक्ति को रोकने की ताकत है आप लोगों के पास? आई कांट बिलीव दिस। आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है। आजकल के जमाने में मंत्रों से काम नहीं चलता है स्वामी जी। चुप रहो, देव शक्ति को ही शक्की नजर से देख रहे हो तुम। शट अप, बीच में आओगे तो तुम्हें अरेस्ट करूंगा। परशुराम जी कृपा करके मुझे एक मौका दीजिए। स्वामी जी जो बोल रहे हैं आप यकीन नहीं कर सकते। आपकी बात अगर सच निकलेगी तो मैं खुद मेरी बहू को आपको सौंप दूंगा। ठीक है, एक मौका दे रहा हूं।
नमस्ते जी, मेरा नाम धर्मराव है। ज्यादा दान धर्म करता हूँ इसलिए ये नाम रखा गया है। गरबा दान तो बहुत ज्यादा किया है। आप वैकुंठम की बीवी है क्या? जी हाँ। हाँ, मैं वैकुंठम के बारे में बताने आया हूँ। उनके बारे में क्या बताने आया है? अरे वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा है तो अब क्या कर सकते हैं? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? वैकुंठम तब तो कामकाज नहीं करता था, अब तो बहुत अच्छे से काम करता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे घर में जबरदस्त खाना बनाकर बावर्ची का काम कर रहा है ना। वो तो चले गए। अरे कहीं नहीं गया, हमारे घर में ही है। उनको तो मरे 6 महीने हो गए। उधर देखिए। वैकुंठम, तू मर गया, तूने क्यों नहीं बताया? आपके जैसा ही सडन डेथ हुई। तेरी बीवी के साथ सेटिंग कर रहा था पर हो नहीं पाई। अरे सुनो वैकुंठम, मेरे जीजा को गए 3 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। ऊपर आके 4 दिन हुआ, मेरे बाजू में ही है। तेरे बाजू में ही है? हाँ। कहाँ है, दिखाई नहीं देते? वो देखो वहाँ बैठा है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, तुझे कहाँ से दिखाई दे रहे? अरे भूत को ही भूत दिखाई देता है। भूत? हाँ, हम दोनों भूत ही तो है। तेरी दया से ये भी हमारे पास आएगा लगता है। आने दो। वनिता, क्यों री, कैसे पहचान लिया? बचपन से एक ही रूप में हो, मैं नहीं जानती क्या? वो ठीक है, क्या है ये अवतार? बिना पति की जिंदगी कैसी होगी? नॉनसेंस, अभी तक ये पुरानी बात है। हाँ, मेरी बात छोड़ो, तू यहाँ कैसे आई? औरत का जन्म लेने के बाद किसी ना किसी दिन किसी मर्द की बलि तो चढ़नी ही है ना। क्या कोई मर्द बलि चढ़ने वाला है? पसंद का लड़का है। वो सागर है ना? अभी तक तुम्हारा प्यार शादी तक पहुंचा? तुम सब लोग आशीर्वाद दोगे तो बहुत आगे तक जाएगी, तुम सब लोगों को आना है। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। तेरी शादी हो और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? नमस्ते आंटी। जीती रहे बेटा, 1000 साल जियो, दूध नहाओ, पुतो फरो। सौ बस है आंटी, 1000 बोर हैं। तू मेरे साथ आ रही है? मैं? तू ही रे, शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं आ सकती क्या? शादी में मैं नहीं आना चाहती। किसने बोला? तू नहीं आएगी तो मैं मंगलसूत्र ही नहीं पहनूंगी। वो बात नहीं है बेटी, एक बार उनसे भी पूछ लेती। वो सब मैं नहीं जानती आंटी, मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटी कि अंकल से आप कुछ भी बोल दीजिए। अंकल कुछ बोलेंगे तो? अंकल कुछ बोलेंगे तो मेरा सेल नंबर दे रही हूँ, मेरे से बात करने को बोलिए। ये लीजिए। ठीक है बेटी, जाओ तुम। ये इतना कह रही है तो मना करना अच्छा नहीं लगता, यहाँ की फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। चलो चलते हैं। थैंक्स आंटी। सर, हत्यारिन का नाम चांदनी है, कमल की वाइफ। जानते हुए भी अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसको अतीन्द्रिय शक्तियां हैं बोल के एक भावना है, उस यकीन को साबित करने के लिए 24 घंटे दिए हैं। What nonsense you are talking? इस केस पर अभी भी बहुत प्रेशर है, दोषी को अरेस्ट ना करना ही आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसे तुरंत अरेस्ट करके कोर्ट में सबमिट कीजिए, मेक इट फास्ट, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यस सर। कुछ काम की बात हुई क्या? उसकी कोशिश वो कर रहा है। चांदनी कहाँ है? उसकी फ्रेंड आई थी, उसके साथ गई है। किधर? शादी में। तुम्हें अकल है? उसे अकेले क्यों भेजा? उसकी दोस्त ने जबरदस्ती की थी। भगवान, जो सोचा वही हुआ। दरअसल हुआ क्या जी? ये सब बताने का तुझे टाइम नहीं है? किसके साथ कहाँ गई? विनीता नाम है, चांदनी की दोस्त है वो। अरे उसी की शादी है, हैदराबाद में। इतनी उम्र हो गई पर तुझे अकल नहीं आई? भगवान, इस अनर्थ को कैसे रोकूं मैं, कैसे रोकूं? नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, जब से हमारे बेटे की शादी के बारे में सोचा है तब से अपशगुन ही हो रहा है, इसलिए आए हैं। कुंडली लाए हो? जी लेके आया हूँ। आपके बेटे को नाग दोष है, नाग देवता प्रतिशोध लेना चाहती है। स्वामी जी, अब क्या करें हम? उसको तुरंत बुलवाइए,
फोन नहीं लग रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। नाग देवता की पूजा के लिए तैयारी करो। चांदनी कहाँ है? अपनी दोस्त की शादी में गई। What? ये क्या किया आपने? कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? कार्ड के ऊपर सेल नंबर लिखा था। जल्दी लेकर आइए। मैं घर में नहीं था, मेरे आने तक ऐसा हो गया। हेलो, क्या हुआ? कहाँ? ऐसा क्या? ओह माय गॉड, जो सोचा वही हुआ। क्या हुआ सर? वो लड़की शादी करने वाली और कोई नहीं, इस रात चांदनी उसके हस्बैंड को मार डालेगी। ये लीजिए। वाओ ब्यूटीफुल, तुझे मेरी नजर ना लग जाए। चल जा रे। तू मुझे हमेशा ऐसे ही दिखना, ओके? सागर, ही इज माय वुड बी। हेलो। हाय। मेरी बेस्ट फ्रेंड चांदनी। चांदनी आप ही हैं? आपके बारे में ये हमेशा बोलती रहती है। हेलो, कहाँ हो बेटा? वनिता के घर पे हूँ। अच्छा, ये फोन पे बताने वाली बात नहीं है, तुम जल्दी यहाँ आओ। हाँ हाँ ठीक है, डैडी ने अर्जेंटली बुलाया है, मैं जाके आता हूँ। बाय चांदनी। You're a lucky girl, पसंदीदा लड़के से ही शादी हो रही है। Thanks. Hello? मैं IPS परशुराम बोल रहा हूँ। दुल्हन वनीता आप ही हैं क्या? वनीता ही बोल रही हूँ। चांदनी आपके पास है क्या? हाँ, चांदनी इधर ही है, बात करेंगे क्या? चांदनी अचानक गायब हो गई। छी, जो सोचा वही हुआ। चांदनी दिखी तो कमरे में बंद करो, शी इज क्रिमिनल। आज रात चांदनी सागर को मारने वाली है। जाने में किया अपराध है, करुणा दिखाओ, क्षमा कर दो। तुम उग्र रूप धारण करोगी तो तुम्हारे मुकाबले में कोई शक्ति नहीं है माँ। ये लोग तुम्हें माता कहते हैं, तुम्हें दूध चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करते हैं। अगर तुम जहर उगलोगी तो ये इंसान भस्म हो जाएगा। हालाहल पिया गंगाधर के गले में कंटा भूषण जैसा विराजमान हुए हो, ये सब तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आरती उतारते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। ये इस पंडित की निवेदन है तुमसे, भूल जाओ अपना गुस्सा, इसे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो मां। जब से इंसान बोलना सीखता है तब से ही हम नागों की पूजा करना शुरू करता है। हमारी महिमा से लोगों को संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुश्किलों से लोग बचते हैं, मांग का सिंदूर बरकरार रहता है, लेकिन हमें ही नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर हमें तकलीफ देना बंद ना किया तो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसका जरूर प्रतिशोध लेंगे। हमारी पूजा किया करो, तुम लोगों को हम आशीर्वाद देंगे।